हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण सैनी, लक्ष्मण हेल्थ से। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेबी को पहली सर्दी से कैसे बचाएं। छोटे बच्चे होते हैं जिनकी पहली सर्दी होती है, तो दोस्तों हम उनकी देखभाल किस प्रकार करें, उनको सर्दी से कैसे बचाएं, क्योंकि बच्चे को या बेबी को सर्दी लगने पर निमोनिया, खांसी, जुकाम, फीवर ऐसे बीमारियाँ काफ़ी हो जाती है, जिससे बच्चे की वीकनेस और बॉडी क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिससे यह बीमारी सारी ग्रसित कर लेती है छोटे बच्चे को। तो हम इन बीमारियों से और बच्चे को सर्दी से कैसे बचाएं, इस बारे में हम बात करेंगे। पहली सर्दी पर हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहला होता है बेबी को माँ का दूध देना चाहिए। हमेशा छोटे बेबी होते हैं उनको माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं। यह सबसे पहला बचाव होता है, जिसके बाद में हम माँ की केयर करनी चाहिए। बच्चा छोटा होता है तो हमें माँ की केयर करनी चाहिए। आप सोचोगे कि बच्चे की केयर की जगह माँ की केयर क्यों करें। दोस्तों बच्चे का सीधा सिस्टम माँ से होता है, जब माँ की केयर होगी तो बच्चा ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि माँ का दूध जब बच्चा पीता है तो पूरा इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है दोस्तों। इसलिए माँ को भी माँ की केयर करनी चाहिए, जैसे माँ को ठंडे पानी का परहेज करना चाहिए, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो, सर्दी में बाहर नहीं निकलना चाहिए और नहाते टाइम भी ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। यह एक मुख्य सावधानी होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके तीसरी सावधानी के बारे में, कि बच्चे को सर्दी लगने का मुख्य कारण होता है उसका हेड और उसकी चेस्ट और उसके पैर, इनको हमें गर्म कपड़ों से कवर करना चाहिए और बच्चे को बाहर सर्दी में नहीं ले जाना चाहिए और कम ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रखना चाहिए, खुली हवा में नहीं लेके जाना चाहिए। ये सबसे मुख्य बचाव होता है छोटे बच्चे को। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बच्चे को अगर सर्दी लगती है तो बच्चे को मालिश के लिए हमें धूप में ज़्यादा देर तक नहीं लेटाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को धूप सहन नहीं होती और वह बच्चा उस धूप के अनुसार ढल नहीं पाता, इसलिए बच्चे को काफ़ी परेशानी होती है दोस्तों। और इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, बच्चों को ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। अगर बच्चों को सर्दी का मौसम आ गया तो बच्चों को, जैसे देखा गया है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, गर्म कपड़े, टी शर्ट वगैरह, कुछ और भी काफ़ी कपड़े पहना देते हैं, जिससे बच्चा अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है और वह रोने लगता है और काफ़ी परेशानी महसूस होने लगती है बच्चों को। इसलिए हमें कम कपड़े पहनाने चाहिए जिससे बच्चा कम्फर्टेबल रहे। दोस्तों यह सावधानी रखनी चाहिए बच्चों को पहली सर्दी आने पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।